नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अभी तक हम लोग 200 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, देख चुके हैं। अगर आपने वो पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक, चलिए, 201वां क्वेश्चन है हमारा। जीवरामतक वह दवा है जो शरीर के ताप को कम कर देती है। एंटी पायरेटिक जो रामतक वह दवा है जो शरीर के ताप को कम कर देती है। एंटी पायरेटिक का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। एस्पिरिन, क्रोसिन इत्यादि है। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप से अलग करने का क्रम कहलाता है। तो याद रखना, शोधन डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 203, एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है, तो याद रखना द्विअंगी। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना होता है द्विमांगी कहलाता है, बाइनरी। यौगिक यौगिक का यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग के फलस्वरूप बनता है, जैसे H2O NaCl। वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों जैसा आचरण करते हैं अभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। H2O, Al2O, Al2O3 और ZnO जैसे। फिर 204 क्वेश्चन, जीवित तंतुओं के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहते हैं? तो याद रखना है जैविक रसायन। सी ऑप्शन सही है। जीवित तंतुओं के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन कहा जाता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य रासायनिक यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 205, बोरिक अम्ल है, तो याद रखना मृदुल प्रतिरोधी बोरिक अम्ल है। ठीक है, एंटीसेप्टिक। बोरिक अम्ल का उपयोग इंसेक्ट टीसाइड के रूप में कॉकरोचों, मक्खी आदि कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने में किया जाता है। लकड़ी में लगे घुन अथवा अन्य कीड़ों को नष्ट करने में भी इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की वो तरह कार्य करता है, तो याद रखना निर्जलीकरण की तरह। वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से कौन सा है? तो रोगों के उपचार में रसायन का उपयोग और अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 8, कोलेस्ट्रॉल है, तो याद रखना जीव वसा में पाया जाने वाला एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 9, DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है, कीटनाशक। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, धूल और ग्रीस को तरह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं अपमार्जक। अपमार्जक धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थों को कहते हैं। अपमार्जक की को साबुन रहित साबुन कहा जाता है। इसका निर्माण लॉरिक एल्कोहल एवं सल्फोनिक अम्ल से होता है। अपमार्जक कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है, इस कारण यह कपड़ा आसानी से साफ करता है। क्वेश्चन नंबर 11, जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव कहलाता है, तरल। जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण करने वाला द्रव तरल कहलाता है। द्रव का आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है। इसके अणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स बल नहीं कम लगता है। गैसों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं क्योंकि इसके अणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगता है। संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है, तो याद रखना गलक। वैसे पदार्थ जो ज्वलनशील होते हैं तथा जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो याद रखना पेट्रोल। गैसोलीन का पर्याय पेट्रोल है। यह C5C11 को पेट्रोल कहा जाता है। इसका उपयोग मोटर ईंधन में होता है। C17 और C18 डीजल होता है। गाड़ी के ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है।
प्राकृतिक गैस मैथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, जिसमें 83% मैथेन और 16% एथेन होता है। 14th क्वेश्चन है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है, तो याद रखिए कठोर जल। जीवित तंतुओं के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन कहा जाता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य रासायनिक यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक कहलाता है, अकार्बनिक रसायन। बोरिक अम्ल देख ही चुके हैं। आसानी से झाग नहीं देने वाले वाला जल कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता, इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट घुले होते हैं। इस जल को उबालकर एवं चूना का जल मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। स्थायी कठोरता, जल में कैल्शियम का मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के साथ के कारण स्थायी कठोरता होती है। यह कठोरता आसवन विधि द्वारा दूर की जाती है। सोडियम कार्बोनेट जल की अस्थायी एवं स्थायी दोनों कठोरता दूर करता है। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। इसका उपयोग अणु भार 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 15, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अक्रिय गैसें हैं, तो याद रखना रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, नील का प्रयोग निम्नलिखित में से होता है, तो याद रखना रंगाई। क्वेश्चन नंबर 18, अलसी की खल निम्नलिखित में काम आती है, तो याद रखना पशुओं को खिलाने में अलसी की खली खली याद काम आती है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निक्षालन विक्रम शामिल है, घुलनशील यौगिकों को घोलना। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है, मृदु विरेचक। क्वेश्चन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया Mg का उपयोग एसिडिटी दूर करने में किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, विकृतिकृत एल्कोहल यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एथिल एल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने में के लिए इसमें निम्नलिखित मिलाया जाता है, निम्नलिखित मेथिल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 23, रंग बंधक वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। रंग बंधक वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। रंग बंधक के उदाहरण हैं टैनिक एसिड, एलम, सोडियम क्लोराइड, क्रोनियम, तांबा, लोहा, आयोडीन के लवण। क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है, तो याद रखना डीऑक्सीराइबोज। क्वेश्चन नंबर 25, मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है, स्वापक्के, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है, निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 27, चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक है कैफीन। क्वेश्चन नंबर 28, प्रबल अम्लों को रखने के लिए के बर्तन निम्नलिखित के बने होते हैं, कांच, क्योंकि कांच अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पित्तरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक, इसे लाल दवा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन की शाखा कहलाती है, विश्लेषित रसायन। क्वेश्चन नंबर 31, मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाती है, जंगरोधी इस्पात। क्वेश्चन नंबर 32,
जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। हिमांक, निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है तो उसे हिमांक कहा जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री है। देवडांग या गलनांक, निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है गलनांक कहलाता है। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 33, पेंसिल लेड का निम्नलिखित से बना होता है ग्रेफाइट, काजल, यह काला मुलायम पाउडर होता है जिसे जिसमें 99% कार्बन होता है। इसे केरोसिन तेल, एसिटिलीन, टाइपेंटाइस तेल, घी इत्यादि को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में की उपस्थिति में जलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग जूते पर पॉलिश, काला पेंट, स्याही बना आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, इतिरक्षी नाम निम्नलिखित को दिया जाता है, याद रखिए रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का सह दमन करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ कहलाता है पीति विष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के विक्रम को कहते हैं निर्जलीकरण, ठीक है। किसी तंत्र से जल के निष्कासन के विक्रम को निर्जलीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण, वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से सहयोग करता है या हाइड्रोजन का निष्कासन करता है ऑक्सीकरण कहलाता है। 2Na+Cl2, 2NaCl, ठीक है। Mg+O2, 2MgO, ऑक्सीडेशन। अवकरण या रिडक्शन, अवकरण वैसी क्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन से सहयोग कर विद्युत रिएक्शन, ठीक, विद्युत धनात्मक तत्व से सहयोग होता है ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ठीक है, अवकरण कहलाता है। 2H2+O2 10H2O रिएक्शन, 2Na+Cl2 2NaCl, ठीक है। वाष्पीकरण, साधारण ताप पर गर्म करने पर जब द्रव वाष्प में बदल जाता है तब ऐसे प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जल से बादल का बनना, स्पीड का उड़ना। हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाओं को रक्त प्रदान करने वाला एक तत्व है। 38 क्वेश्चन, रिबोफ्लाविन है तो याद रखना विटामिन। क्वेश्चन नंबर 39, लकड़ियों के जलने से निकलने वाला मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है, याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 41, जल प्रदूषण होता है औद्योगिक अपशिष्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में, ठीक। आगे बात करते हैं 43, पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी सेलों में। क्वेश्चन नंबर 44, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थों में पाई जाती है तो याद रखिए यूरिया में। क्वेश्चन नंबर 45, बेरीबेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है तो याद रखना विटामिन बी की, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, पसीने में होते हैं जल होता है, लवण होता है और अवशिष्ट द्रव्य होता है, ठीक, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र का अर्थ है, मनुष्यों की श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है तत्पश्चात हरे पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन में परिवर्तित होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है जो आग को बुझाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, किसी बंद कमरे में कोयला या चारकोल का जलना
घातक होता है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े हैं, एडिनिन तथा थायमिन। क्वेश्चन नंबर 51, केवल कार्बन से बना पदार्थ होता है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 52, आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है तांबा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित तथ्यों से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं कार्बन। क्वेश्चन नंबर 54, गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मिथेन। क्वेश्चन नंबर 55, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है अलसी। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को अलसी के तेल के साथ मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। भारी जल परमाणु रिएक्टर में बंधक के रूप में उपयोग होता है। इसका अणु भार 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 57, पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है। इस प्रक्रिया का नाम है बहुलीकरण बहुलकीकरण। क्वेश्चन नंबर 58, पॉलीथिन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलीकरण द्वारा होता है एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 59, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है आइसोपीन। क्वेश्चन नंबर 60, प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जल। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जल है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। इससे कोशिका का निर्माण होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 50-55% होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90% पानी और 10% कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 62, निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है? तो याद रखना ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए यह विधि नहीं अपनाई जा सकती आसवन। ठीक है। आसवन विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है। आसवन विधि द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आसवन विधि द्वारा मुक्त द्रवों को के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जल को उबालकर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 64, विद्युत चुम्बकों में निम्नलिखित धातु का काम निम्नलिखित धातु काम आती है नरम लोहा। क्या आती है? नरम लोहा। क्वेश्चन नंबर 65, विटामिन सी है स्कर्विक अम्ल। साइट्रिक अम्ल खट्टे रसदार फलों जैसे संतरा नींबू आंवला मौसमी में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाली धातु का युग्म है तो याद रखें क्रोमियम इस्पात तथा इस्पात। क्वेश्चन नंबर 67, किस 100 मिलीग्राम जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाते जाएंगे? 0.4 मोल MgBr2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, लोहा का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है 58। बी ऑप्शन सही है 55.8 ग्राम लोहा। क्वेश्चन नंबर 69, भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है निम्नलिखित की संख्या का भिन्न होना न्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होना है। ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है। या ऐसे तत्व जिनमें प्रोटोनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो
समस्थानिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71, तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 72, संक्रामक रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है सल्फाथियाजोल। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। मधुमेह, अगला क्वेश्चन है 73, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है ग्लूकोज, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है, याद रखिए, ताप सुनम। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जाने सकने वाला पदार्थ ताप सुनम कहलाता है। वैसे प्लास्टिक जिसे कई बार गर्म एवं ठंडा करके मनोवांछित आकार में ढाला जा सकता है ऊष्मीय प्लास्टिक कहलाता है, पॉलीथिन, टेफ्लॉन, पीवीसी। क्वेश्चन नंबर 75, त्रयकबद्ध बहुलक का उदाहरण है बेकेलाइट। इसका निर्माण फिनॉल एवं फार्मेल्डिहाइड के मिलाने से होता है। इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में, टेलीफोन के रिसीवर बनाने में, यह ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक है, ऊष्मा भ्रष्ट प्लास्टिक। वैसे प्लास्टिक जिनका निर्माण गर्म एवं ठंडा करके एक ही बार होता है किंतु इसे दोबारा अन्य रूपों में नहीं ढाला जा सकता है, जैसे बेकेलाइट, गिल्पेटल, रबर। क्वेश्चन नंबर 76, फिकास ऑक्सीकरण विक्रम निम्नलिखित द्वारा प्रारंभ होता है फिकास। क्वेश्चन नंबर 77, FVA रंजक निम्नलिखित को रंगने के काम आता है, कपास। क्वेश्चन नंबर 78, नील निम्नलिखित रंजक है, बेट, ठीक है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, नाइट्रिक अम्ल को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण करके। क्वेश्चन नंबर 80, कॉन्टैक्ट विक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित एक संश्लेषित दवा है एस्पिरिन। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 83, वाहिका विस्तारक नामक दवा को निम्न रोग के उपचार में उपयोग होता है, अति रक्तदाब। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित के एस्टिलीकरण से हेरोइन बनाई जाती है, हेरोइन, मॉर्फिन। मॉर्फिन अफीम से तैयार किया जाता है, इसका उपयोग दर्द निवारक एवं निश्चेतक के रूप में किया जाता है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हीरोइन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, एम्पीसिलिन निम्नलिखित की तरह काम करती है, अतिपित जैविक, ठीक है, ये ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण हृदय दीपक है डिगो गिजम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, आलू की चित्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवक नाशक है कैप्टन। क्वेश्चन नंबर 88, प्राकृतिक कवक नाशक का एक उदाहरण है ब्यूरोन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89, पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण है एंडोलेटिक अम्ल, ठीक है, यह पौधों के वृद्धि में सहायक होता है, पौधों एवं फलों को झड़ने से बचाता है, उत्पादन में सहायक होता है, खरपतवार पर नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 90, सबसे पुराना पीडक नाशी है निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 91, गेमेक्सिन के अन्य नाम है, तो याद रखना है 1 और 2, YBHC और लेंडेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक हैं, सी ऑप्शन है इसमें सही, एसीटोन और मेथेनॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है एम्पीसिलिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, रासायनिक रूप से इंसुलिन है, तो याद रखना है आपको, पेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 95, लाइपेज एंजाइम द्वारा समूह द्वारा अभिक्रियाओं
का जो वर्ग उत्प्रेरित होता है वह कहलाता है? सी ऑप्शन सही है, एक और तीन, एस्टरों का जल अपघटन और एस्टरीकरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96, बे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाता है वह उपक्रम है? बी अनुवांशिक इंजीनियरिंग और ग्राउंड ईथर का संश्लेषण। ठीक है, वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला विक्रम अनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं ब्राउन ईथर संश्लेषण कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव या अनुवांशिक को कृत्रिम उपायों से परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, द्रव हाइड्रोकार्बन क्यों कम आणविक द्रव्यमान के गैसीय हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा परिवर्तित किया जाता है भंजन? क्वेश्चन नंबर 98, एल्यूमिनियम पर क्लोरेट निम्नलिखित में काम आता है, तो याद रखना संकर रोधक। क्वेश्चन नंबर 99, एलिजारिन एंथ्रा क्विनोन रंजक है। क्वेश्चन नंबर 300 वा क्वेश्चन, रासायनिक तौर पर जल है एक ऑक्साइड। ठीक, रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है, यह रंगहीन गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। जल ठोस द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने देख लिए 300 क्वेश्चन तक, बात करेंगे आगे 301 से। ठीक।